नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कुल्ले में दर्द रहता है? और यह दर्द कुल्ले के साथ साथ नीचे पूरे पैर में जाता है, पंजे तक, पिंडली में, जांघ के पीछे? और क्या इसमें आपको जो दर्द हो रहा है कुल्ले के अंदर, वो क्या चुभन टाइप का हो रहा है, पिंच टाइप का हो रहा है? तो यह क्या प्रॉब्लम है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह किस वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको हम घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं परमानेंटली। ये जो दर्द आता है वो किस लिए आता है, कि ये क्यों आ रहा है और ये प्रॉब्लम होती क्या है? जो हमारे कमर से एक शियाटिक नर्व निकलती है जो पूरे पैर के अंदर जाती है, जो ये सबसे बड़ी नर्व होती है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इस पूरी पैर के अंदर दर्द आ जाता है, जिसमें सबसे स्टार्ट होता है कि ये शियाटिका में प्रॉब्लम आ जाती है स्लिप डिस्क की वजह से, डिस्क बल्ज की वजह से। जो हमारी जो लंबर स्पाइन है उसके अंदर आपको जो डिस्क हो जाती है, जो गद्दी है, जो पिचक्कर बाहर आ जाती है, वो हमारी शियाटिक नर्व को दबाती है। उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई कम होती है, उसकी वजह से जो कूल्हे के अंदर दर्द स्टार्ट होता है, कमर में भी होता है और कूल्हे में भी होता है, और कूल्हे से होते हुए जांघ के पीछे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल से लेकर काफ में और नीचे दर्द रहता है, झंझनाहट रहती है, सूनापन रहने लग जाता है, एक वीकनेस सी फील होने लगती है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे जिसको आप घर पर कर आप कंप्लीट छुटकारा पा सकते हैं। इसके अंदर हम हॉट पैक का यूज कर सकते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको अगर आप घर पर रेगुलर करेंगे तो 100% आपको शियाटिका के पेन में जो बिल्कुल 100% आराम मिल जाएगा। साइटिका को ठीक करने के लिए आपको बेड पर लेट जाना है और इस तरीके से हम कंप्लीट लेट जाएंगे। और जिस पैर में दर्द है साइटिका का, अगर आपको जैसे इस पैर के अंदर दर्द है तो आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको दोनों पैर मोड़ लेना है, दोनों पैर इस तरीके से आप मोड़ लेंगे, दोनों हाथ सीधे करेंगे और इसमें हम पेट को अंदर खींचेंगे और हमारे कुल्ले का पोर्शन है उसको इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ कमर के पीछे लगा के और आप इसको ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। अगर कंफर्टेबल हैं तो हाथ दोनों हाथ रख के भी आप कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली भी आप इस तरीके से करना है। पेट को अंदर दबाते हुए जो कूल्हे का पोर्शन है इसको ऊपर उठाना है, ये होती है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आपको दोनों पैर इसी तरीके से मोड़े रखना है और जो भी हमारा जिस भी पैर में दर्द है उसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और हमारे चेस्ट की तरफ हम करेंगे। ये एक्सरसाइज नी टू चेस्ट है, इसके अंदर आपको इस तरीके से करना है, यहाँ लेके आना, चेस्ट की तरफ करना है तो आपको अच्छा सा स्ट्रेच आएगा ग्लूट्स मसल्स के अंदर। तो आपको ये एक्सरसाइज भी रेगुलर करना है, साथ में दोनों पैर इसी तरीके से रहेंगे, इसको सीधा नहीं रखेंगे, दोनों पैर मोड़ के रखेंगे इसमें। और जिनको भी घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की वजह से या और कोई वजह से, उनको यहाँ ऊपर से नहीं पकड़ना है, जांघ के पीछे से, हमारी जो जांघ की पीछे से पकड़ के आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से और 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे, देन वापस नीचे। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी आती है जो स्ट्रेचिंग है, इसके अंदर जो कूल्हे के अंदर एक पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है उसके टाइट होने की वजह से भी शियाटिका का पेन काफी अक्सर आता है लोगों में। और इसमें आपको इस तरीके से करना है, जिस पैर में दर्द है उसको दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इस हाथ से पकड़कर आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपको कूल्हे के अंदर एक हल्का सा यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा मांसपेशी के अंदर, उसको 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे, देन वापस रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। फिर मैं आपसे बता देता हूँ, आप सही तरीके से समझ लें, सही तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपको जिस पैर में आपको दर्द है उसको इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इस वाले हाथ से घुटने को पकड़कर आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपको यहाँ कूल्हे के अंदर एक खिंचाव आएगा, तो उस खिंचाव को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, रोकेंगे 5 सेकेंड के लिए, देन वापस रिलैक्स करेंगे। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ के अंदर हमको जिस भी पैर के अंदर दर्द आ रहा है उसको हम इस तरीके से दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे इस वाले पे, और इस पैर को हम जांघ के पीछे से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से और 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे इसमें भी। और आपको जब ये आप ऊपर खींचेंगे तो आपको पूरे कूल्हे के अंदर आपको खिंचाव आएगा और इसको 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5, देन वापस रिलैक्स। मैं आपको अच्छे से समझा दूं, ये पायरिफॉर्मिस
स्ट्रेच है, इसके करने से आपको तुरंत आराम आ जाएगा। इसको आपको जिस पैर के अंदर दर्द है दूसरे अपोजिट लेग के ऊपर रखेंगे और उसको अपोजिट लेग को आपको पकड़ के आपको इस तरीके से खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5 देन रिलैक्स। आपको ये फोर्थ एक्सरसाइज है, आपको अच्छे से करनी है। फिफ्थ एक्सरसाइज के अंदर हम आपको बताएंगे कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग कितनी जरूरी है इसके लिए। अक्सर देखा गया है कि हैमस्ट्रिंग मांसपेशी है जो बहुत टाइट होती है, तो आप इसके अंदर आपको हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं हम, लेकिन आपको करनी किस तरीके से है। जैसे हम लेट जाएंगे इसके अंदर, तो जिस भी हैमस्ट्रिंग की आपको स्ट्रेचिंग करनी है उसको इस तरीके से यहाँ पे जांग के पीछे से पकड़ेंगे इस तरीके से, है ना, और कोई चुन्नी टॉवल कुछ नहीं लगाएंगे इसके अंदर, हम जांग के पीछे से यहाँ से पकड़ के, और जैसे आपका पैर इतना ही जा पा रहा है, ठीक है, तो आपको इतना ही लेके जाना है। ज़्यादा ऐसा जबरदस्ती नहीं करना कि बहुत ऊपर ले जाएंगे, जितना आपका पैर ऊपर जा रहा उतना उतना लेके जाएंगे, वहाँ होल्ड करेंगे और आपको जांग के अंदर खिंचाव आएगा, जो जांग के पीछे की तरफ जो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग है वो आपको खिंचाव आएगा और आपको तुरंत आराम आएगा शियटिका के पैर में। जैसे मेरा पैर यहाँ तक जा रहा है समझो, तो आप वहीं तक लेके जाएंगे और आप इसको इस यहाँ होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। इसके बाद में लास्ट एक्सरसाइज आती है हमारी जो काफ स्ट्रेचिंग होती है। आप काफ स्ट्रेचिंग को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, चुन्नी टॉवल कुछ भी ले सकते हो आप, और यहाँ लगा के आप इस तरीके से पकड़ कर आप खींच सकते हो, तो इसके अंदर आपको काफ के अंदर एक खिंचाव सा आएगा। लेकिन अगर ये कभी कभी ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा आप ज्यादा खींच लेते हो तो थोड़ा सा दर्द भी बढ़ जाता है, तो सिंपल में आप इस तरीके से दोनों हाथ यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो सीधे लेट के भी कर सकते हैं इसको। यहाँ जो हमारे जो पंजे हैं अंगूठे हैं इनको अपनी तरफ खींचेंगे तो आपको खिंचाव महसूस होगा घुटने के पीछे और काफ मसल्स में, तो आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से यहाँ नीचे ले जाना है और ऊपर लाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 देन वापस फिर से 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज साइटिका के लिए बेस्ट एक्सरसाइज हैं। अगर आप इनको रेगुलरली घर पे करेंगे अच्छे तरीके से तो 100% आपको सियाटिका के दर्द में 100% फायदा होगा। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं, और मैंने जो भी अब तक डिस्क बल्ज पे इन पे जो भी वीडियोस बनाए हैं जो भी कमर की जकड़न वगैरह के बारे में, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी कमेंट आते हैं लोगों के। कुछ लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट का इशू आता है, बाकी बहुत लोगों को इन एक्सरसाइज से बहुत फायदा हुआ है। और कृपया आप एक्सरसाइज आप अच्छे से समझे हैं, अच्छे से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं और उन पे हमारा ध्यान नहीं जा पाता है और हमारा दर्द बढ़ जाता है, तो कभी भी एक्सरसाइज को अच्छे से समझें उसी के बाद आप करें। धन्यवाद।